घोटाला अलकतरा घोटाला, उन्होंने कोई काम नहीं किया है जनता के। देखिए, किसी के प्रति कुछ कह देना ये भाजपा नेताओं के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, और आपके माध्यम से, क्योंकि यहाँ मीडिया के बहुत सारे साथी यहाँ मौजूद हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से बिहार के लोगों को और बिहार से बाहर जो भी आपका चैनल जो देखते हैं देश के लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो आरोप उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर लगाया है, तो मैं बता दूं कि आदरणीय लालू प्रसाद की देन है कि बिहार को 5 यूनिवर्सिटी देने का काम किया है, और उन्हीं की देन है जब वो रेल मंत्री थे तो 3-3 चक्का कारखाना, रेल कारखाना लगाने का काम बिहार में किया है। 20 वर्षों से डबल इंजन की सरकार है बिहार में, केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में JDU और भाजपा की मिलीजुली सरकार है, कुछ समय के लिए हम लोग आए थे, तो 20 साल में बिहार की जनता को और देश की जनता को बताना चाहिए कि कितनी फैक्ट्रियां यहाँ इन लोगों ने लगाई है, कितने रोजगार के साधन इन लोगों ने सृजन किए हैं, कितने नियुक्ति पत्र इन लोगों ने अभी तक विगत वर्षों में इन लोगों ने बांटने का काम किया है। ये कहते हैं हमने सड़क बना दिया, हमने ये देखिए, कोई भी सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे JDU की सरकार है, तो सड़क बनाना है ऑनगोइंग प्रोसेस है, जो भी सरकार आएगी इस तरह का काम चलता रहेगा। लेकिन आपने बिहार के लोगों के लिए, बिहार में बेरोजगारी दूर करने के लिए कौन सी ऐसी फैक्ट्री लगाई है? लालू प्रसाद ने सिर्फ एक गलती की है, और वो भी सम्राट चौधरी को उम्र ना होते हुए मंत्री बनाने का गलती किया था, सिर्फ एक गलती हमारे नेता से हुई है सम्राट चौधरी को, और उसी की देन है कि आज उनको भाजपा भी पूछ रही है। दीदी, जम्मू कश्मीर यादव को लेकर कह रहे हैं कि ये बताना चाहिए कि नौकरी लेने के और देने के दौरान उन्होंने कितना घोटाला किया है, ये तो मुख्यमंत्री बताएंगे ना, केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है, सब एजेंसियां इनके हाथ में हैं, सुबह शाम उनके साथ चाय नाश्ता करते हैं, आज फलाने को नोटिस देना है, आज चिल्लाने को नोटिस देना है, तो ED CBI इनकम टैक्स तो सब इनके पास है, और क्या बात कर रहे हैं ये लोग, ये अपमान कर रहे हैं, जो 3.5 लाख नियुक्ति पत्र जिन लोगों को मिला है उनका वो अपमान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मतलब उन टीचरों का अपमान कर रहे हैं, यूपी से आकर के देश जगह जगह से लोगों ने, जिन लोगों ने अप्लाई किया था, जिनको यहाँ पे बिहार में नौकरियाँ मिली हैं, उनका वो अपमान कर रहे हैं, और यही काम सिर्फ इन लोगों को आता है। JDU को लोग कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव को नजरबंद किया जा रहा है राजनीतिक तौर पर, कैसे देख रहे हैं इसको? नीतीश कुमार को क्या किया गया है? कितनी बार आपसे मिले हैं, मीडिया के साथियों से कितनी बार रूबरू हुए हैं? मुख्यमंत्री को तो कोई नजरबंद नहीं किए हुए, क्या बात कर रहे हैं ये लोग? मैं बार बार कह रही हूँ कि इस तरह के उलझलूल बातें आजकल नेताओं के मुंह से शोभा नहीं देता है, चाहे वो माझी जी हों, गलत बयानी आजकल कर रहे हैं, चाहे गिरिराज सिंह जी को ले लीजिए, चाहे JDU के किसी भी नेता को ले लीजिए, सकारात्मक राजनीति तो कोई करना भूल ही गया है लगता है, अब कोई बीमार है। और आप सब लोग को पता है, इस देश को पता है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो पब्लिक में थोड़ा कम जाते हैं, लेकिन आप जब उनको जहाँ से भी निमंत्रण आता है तो सब जगह उपस्थित होते हैं, मीडिया के लोगों से मिलते हैं, ऑफ द कैमरा लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, रोज सुबह और शाम आके अगर आप 10 नंबर के गेट पे आप खड़े हो जाइएगा तो गेट शाम को खुला रहता है, बिहार से कोने कोने से आए हुए लोगों से, उनसे मिलते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं और समस्या को दूर करने की कोशिश करते हैं। दीदी, जम्मू कश्मीर में मजदूरों के साथ लगातार जो है टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही है, मौतें हो रही है, कैसे देखती है? फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि सरकार को अस्थिर किया जा रहा है, गिराने की कोशिश। देखिए, घटनाएं तो देश के हर एक जगह इस तरह की घटनाएं होते रहती हैं, और ख़ास तौर पे इसको पॉलिटिकली अगर इस पे बयानबाजी कम किया जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर इस तरह की कोई समस्या आती है तो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, सरकार को इसको अच्छे से टैकल करना चाहिए और उसको दूर करना चाहिए। RJD के 4 लाख सक्रिय कार्यकर्ताओं के डेटा लीक होने की बात की जा रही है, प्रशांत किशोर आपके कार्यकर्ता पदाधिकारी से संपर्क साध रहे हैं, उनको फोन कर रहे हैं? देखिए, आपको पता है कि प्रशांत किशोर जी कौन है, उनका काम क्या है, तो उनके पास डेटा पहुंचना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज लोगों के पास पैसा हो, अगर मेरे पास पैसा है तो कल हम भी भारतीय जनता पार्टी का और JDU के लोगों का डेटा या आम लोगों का डेटा, आजकल आप देखिए मोबाइल, जैसे हम लोग शॉपिंग जाते हैं वहां पे कहता है लकी ड्रॉ निकलेगा, नंबर लिखवाइए, बहुत लोग शॉपिंग जाते हैं मोबाइल नंबर नोट करते हैं, और उसके बाद से लगातार कंपनियों के फोन आपके ऊपर बजना शुरू हो जाता है, तो ये डेटा लीक होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन
इसका मतलब कि जो उन्होंने यात्रा की, कितने किलोमीटर यात्रा की उन्होंने, पैदल यात्रा कुछ वो बताते हैं ना कि हम इतना किलोमीटर हम चल लिए हैं, तो जो पैदल इतने यात्राएं की आप गांव-गांव में गए लोगों, तो क्या आपके साथ कोई लोग जुड़ा नहीं क्या कि आपको दूसरे दल के लोगों का डेटा लेना पड़ रहा है? आरजेडी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, आरजेडी को क्या फर्क पड़ेगा, आरजेडी तो मतलब जनता मास की पार्टी है, आरजेडी को क्या फर्क पड़ रहा है? वो कह रहे थे कि और आरजेडी के कार्यकर्ताओं को और नेताओं को किसी का भी फोन आए, इस देश के प्रधानमंत्री का भी फोन आए, वो जहां हैं अडिग हैं, अपने नेता के आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं और वो उनके साथ बने रहेंगे, चाहे किसी का भी फोन आए। डेटा देने का वो 100 करोड़ रुपया लेते थे, ये बात वो कह रहे हैं, इसको कैसे आप देख रहे हैं? मतलब वो प्रशांत किशोर देते थे ना, लेते थे या देते थे, वही बता रहे ना कि आखिर उनका काम ही यही है ना, प्रशांत किशोर जी का काम ही यही था और शायद अभी उसको कंटिन्यू भी रखे हुए हैं, आप ही लोग के द्वारा हो रहा है कि मतलब उन्होंने डेटा ले लिया है, तो आज भी वही मतलब जनता